वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हम प्रिंटर के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है प्रिंटर? एक आउटपुट डिवाइस, ठीक है। प्रिंटर एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है। पहली बात आपको ये लिखनी है कि प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। और प्रिंटर क्या है मैन? प्रिंटर कौन सी हुआ है बताओ? आउटपुट डिवाइस भी कौन सी है? हार्ड कॉपी है या फिर सॉफ्ट कॉपी है? तो प्रिंटर क्या है? एक क्या है? हार्ड कॉपी डिवाइस है, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसके अंदर कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। और क्या है खास बात इसके अंदर? दो बात हो गई। तीसरी, प्रिंटर का प्रयोग, प्रिंटर का प्रयोग टेक्स्ट रेखाचित्र का प्रयोग, टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? लिखा हुआ कोई। रेखाचित्र का मतलब कोई चित्रों की सहायता से, ठीक है। और चित्र का आउटपुट, चित्र का आउटपुट प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए करने के लिए किया जाता है। और बताओ प्रिंटर का प्रयोग कहाँ होता है? देखो प्रिंटर की जो स्पीड है ना, प्रिंटर की स्पीड, प्रिंटर की स्पीड किस मापी जाती है? मापी जाती है ppm में। किस मापी जाती है? ppm में। ppm का मतलब होता है पेज प्रति मिनट। क्या होता है? पेज पर मिनट। मतलब कि एक मिनट में कितने पेज निकाल रहा है, तो स्पीड की तो बात आएगी। एक मिनट में कितने पेज निकाल रहा है, ठीक है, ये आता है ppm। ppm की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी क्या होती है, पेज पर मिनट। प्रिंटर की जो गुणवत्ता होती है वो किस मापी जाती है? प्रिंटर की क्वालिटी, प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है इसमें। बताओ प्रिंटर की क्वालिटी DPI में मापी जाती है। किस मापी जाती है? DPI का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट्स पर इंच। याद रखना है आपको, क्योंकि तो जो इमेज हमें जैसी उसमें दिखेगी ना सॉफ्ट कॉपी में, वैसी किस में दिखेगी? हार्ड कॉपी में। तो प्रिंटर की क्वालिटी DPI में मापी जाती है, याद रखना है आपको। उसके बाद प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं हम। प्रिंटर को कंप्यूटर से किस पोर्ट के द्वारा जोड़ते हैं? पैरेलल पोर्ट के द्वारा। प्रिंटर को अगर हम कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए किसका? पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पैरेलल पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर की क्वालिटी और प्रिंटर की स्पीड, ये बातें आपको याद होनी चाहिए। प्रिंटर कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम या आउटपुट को कागज पर छापकर यूजर को उपलब्ध कराता है, ठीक है। प्रिंटर में प्रिंटिंग डॉट द्वारा की जाती है, जबकि प्लॉटर में पेन द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। याद रखना है आपको, नोट करके लिखना है। क्या करके लिखना है? नोट करके। कैसे लिखना है? नोट करके। देखो इसके अंदर खास बात क्या है, दो बात होती है। एक तो होता है प्रिंटर, बस प्रिंटर का बड़ा रूप होता है, ध्यान रखना। आप जो प्लॉटर की बात करते हैं ना, प्रिंटर का बड़ा रूप होता है प्लॉटर, ठीक है। तो प्रिंटर में प्रिंटिंग किससे की जाती है, याद रखना है, डॉट द्वारा की जाती है। किसके द्वारा?
डॉट द्वारा की जाती है, की जाती है जबकि जबकि प्लॉटर में पेन द्वारा प्रिंटिंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंटर का क्या क्लासिफिकेशन। देखो प्रिंटर का क्लासिफिकेशन क्या है, हम यहां लिख रहे हैं मतलब प्रिंटर का वर्गीकरण कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रिंटर का वर्गीकरण कैसे करते हैं देखो। प्रिंटर कितने प्रकार का है वैसे तो, प्रिंटर दो प्रकार का है वैसे तो। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। पहला क्या है इसमें, एक तो है इंपैक्ट प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर, और एक क्या है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। पहला क्या है इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा क्या है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो इंपैक्ट प्रिंटर की बात अगर हम करें तो ये दो प्रकार का होता है, सीरियल और लाइन प्रिंटर। क्या होता है? सीरियल और सीरियल प्रिंटर। और दूसरा क्या है? लाइन प्रिंटर। ठीक है, उसके बाद सीरियल दो प्रकार का था, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। लाइन प्रिंटर तीन प्रकार का होता है, एक तो होता है ड्रम, चैन और बैंड। पहला होता है चैन प्रिंटर, दूसरा क्या है ड्रम प्रिंटर। और तीसरा क्या है बैंड प्रिंटर। ठीक है, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तीन प्रकार का होता है, कौन कौन सा? इंकजेट, थर्मल और लेजर। इंकजेट
पहला क्या है इसमें, इंक जेड। प्रिंटर। दूसरा आता है थर्मल प्रिंटर। और तीसरा क्या आता है, एक तो इंकजेट हो गया, एक थर्मल हो गया, और एक तीसरा कौन सा होता है, इंकजेट थर्मल और तीसरा होता है लेजर प्रिंटर। ठीक है, लेजर प्रिंटर। तो पहला ये दूसरा मान सकते हो, ये आप तीसरा मान सकते हो। कितने प्रिंटर हो गए, तीन प्रिंटर हो गए। ठीक है, नोट कर सकते हैं सबको आप। लिखो कैपेसिटी के आधार पर कितने प्रकार का लिखवाए, तीन प्रकार का। कैपेसिटी के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार का है, तीन प्रकार का। तीन प्रकार का, ठीक है। कौन कौन सा है, पहला कौन सा है, पहला है करेक्टर प्रिंटर। पहला क्या है, करेक्टर प्रिंटर। दूसरा क्या है, लाइन प्रिंटर। और तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपको पेज प्रिंटर। तीसरा कौन सा है, पेज प्रिंटर। कितने प्रकार हो गए इनके, तीन प्रकार। पहला है करेक्टर प्रिंटर, दूसरा है लाइन प्रिंटर और तीसरा है पेज प्रिंटर। ठीक है, देखो इन प्रिंटरों में क्या होता है, ध्यान ध्यान दो सामने। जो करेक्टर प्रिंटर होता है ना, करेक्टर का मतलब होता है हमेशा हिंदी में एक अक्षर। क्या होता है, एक अक्षर होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, करेक्टर का मतलब होता है एक अक्षर प्रिंट करता है जो कंप्यूटर, जो प्रिंटर, एक अक्षर। नाम से पता चल रहा है करेक्टर का मतलब एक अक्षर, और लाइन से पता चल रहा है एक लाइन को जो प्रिंट करता है, इसको प्रिंट करता है लाइन को। और पेज प्रिंटर जो पूरे एक पेज को प्रिंट करता है। तो सबसे ज्यादा, सबसे बढ़िया कम मतलब सबसे बढ़िया प्रिंटर कौन सा लगा आपको, पेज प्रिंटर लगा तो पेज को प्रिंट कर दे पूरे को। ठीक है, तो ये होता है कैपेसिटी के आधार पर जो एक पूरे पेज को प्रिंट करता है। अब हम टेक्नोलॉजी के आधार पर जो हमने प्रिंटर पढ़े थे उनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अब हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है खास बात, देखो इसके अंदर इम्पैक्ट प्रिंटर द्वारा केवल एक ही रंग का आउटपुट प्रदान करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर केवल एक ही रंग का, इम्पैक्ट प्रिंटर केवल एक ही रंग का, एक ही रंग का आउटपुट देता है। आउटपुट देता है, बताओ इम्पैक्ट प्रिंटर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला कौन सा है इसमें, सीरियल प्रिंटर और ये दो प्रकार का है, पहला और दूसरा है लाइन प्रिंटर। अब देखो इसके अंदर आप नेक्स्ट लिखो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
सीरियल के बारे में लिखना है आपको। पहला डीएमपी, डीएमपी का पूरा नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला प्रकार यही है ना इसका, लिखो इसके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक प्रिंट हेड होता है। इसमें प्रिंट हेड बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। प्रिंट हेड में अनेक पिनों की संख्या एक मैट्रिक्स होता है। पिनों की संख्या अधिक होने पर प्रिंटिंग आकर्षक होती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा ग्राफ, चार्ट आदि बनाए जाते हैं। तो आपको लिखना है इसके द्वारा पहली बात तो चार्ट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? और इसके अंदर क्या बनाए जाते हैं? ग्राफ बनाए जाते हैं। पहली बात समझ में आ गई, इसके द्वारा चार्ट और ग्राफ बनाए जाते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग में प्रिंटिंग लागत कम होने से इनका उपयोग सर्वाधिक होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है। मोनो प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो दो बात इसमें खास हैं और इनकी कम लागत होती है, मतलब कॉस्ट क्या होती है इनकी? कम कॉस्ट होगी तो यूज क्या होगा? अरे अधिक होगा ना, कम कॉस्ट तो अधिक यूज होता है। दूसरा आता है डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरा क्या आता है? डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड किसका होता है? प्लास्टिक से होता है, प्लास्टिक से बना होता है तथा पहिए के आकार का होता है। तभी इसका नाम क्या हुआ है? डेजी व्हील पड़ गया, ठीक है। पहिए के आकार का, इस पहिए की आकृति डेजी व्हील के आकार की होती है। इस प्रिंटर के द्वारा इमेज ग्राफिक्स नहीं छापे जा सकते। ये प्रिंटर बहुत कम आवाज करते हैं। इनकी प्रिंटिंग गति डॉट मैट्रिक्स की अपेक्षा धीमी होती है। इस प्रिंटर को लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस प्रिंटर को लेटर क्वालिटी प्रिंटर? इसको लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसके अंदर? क्योंकि इसके द्वारा लेटर प्रिंट किए जाते हैं, ठीक है। तो लेटर मतलब पत्र छापने के लिए इस प्रिंटर का प्रयोग किसके लिए होता है? पत्र छापने के लिए, ठीक है। जबकि इसका प्रयोग डीएमपी का चार्ट ग्राफ, इसमें व्हील होता है, ठीक है, जिसे डेजी व्हील कहते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद लाइन प्रिंटर की अगर हम बात करें, ठीक है, लाइन प्रिंटर की, तो लाइन प्रिंटर में कितने प्रकार के प्रिंटर आए? चैन प्रिंटर आया और ड्रम प्रिंटर आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, लाइन प्रिंटर। इसमें सबसे पहले आता है क्या? चैन प्रिंटर आता है। इस प्रिंटर में क्या आता है? चैन प्रिंटर आता है। चैन प्रिंटर में क्या होता है देखो, इसमें जो प्रिंटिंग होती है वो किसके रूप में होती है? चैन के रूप में, चैन के रूप में होती है। और दूसरा क्या आता है?
ड्रम, प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में क्या होता है बताओ? ये एक बेलनाकार होता है, ठीक है? ये क्या होता है? बेलनाकार, ठीक है। बेलनाकार होने के कारण पूरे एक लाइन को प्रिंट करने करता है, मतलब पूरे एक लाइन के रूप में तो प्रिंट करता है, लेकिन एक साथ पूरी लाइन भी छाप सकता है। कहने का मतलब ये है, ड्रम के आकार का होता है, बेलन के आकार का ड्रम होता है, तो इस कह सकते हैं बेलनाकार होता है। उसके बाद ये हमने पढ़ा इंपैक्ट प्रिंटर। अब एक साइड में हम पढ़ते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा आता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये इंपॉर्टेंट प्रिंटर है, याद रखना है आपको इसको। इंपैक्ट प्रिंटर केवल एक ही रंग का आउटपुट देता है, लेकिन ये रंगीन प्रिंटर देता है। क्या देता है इसमें? क्या है? ये है रंगीन, यानी कलर के रूप में क्या करता है? प्रिंटिंग करता है, ठीक है। ये रंगीन कलर के रूप में प्रिंटिंग करता है। उसके बाद ये इसके अंदर आता है थर्मल प्रिंटर। सबसे पहले क्या आता है? थर्मल प्रिंटर, ठीक है। लिखो पहला इसके अंदर थर्मल प्रिंटर। दूसरा क्या है? लेजर प्रिंटर। और तीसरा क्या है? इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, तो तीनों में हम कुछ लिखते हैं इसके अंदर। थर्मल प्रिंटर का प्रयोग क्या होता है? इसमें इस प्रिंटर में कागज पर छपने वाला अक्षर अधिक समय तक कागज पर नहीं टिकेगा, अर्थात अपने आप मिट जाएगा। पहली बात, थर्मल प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग हेतु विशेष प्रकार का थर्मोक्रोमिक कागज प्रयोग में लिया जाता है। इसका प्रयोग एटीएम में किया जाता है, थर्मोक्रोमिक कागज। देखो इसके अंदर होता है क्या है थर्मल प्रिंटर के अंदर? पहली बात तो क्या होती है इसके अंदर? थर्मोक्रोमिक, थर्मोक्रोमिक, कागज का प्रयोग किया जाता है ताकि प्रिंट हुआ प्रिंट हुए अक्षर व टेक्स्ट जल्द स्वयं मिट जाते हैं। देखो एक बात ध्यान सुनना, कई बार अपन क्या करते हैं, टिकट की बात चलती है, टिकट की पूरी डिटेल देखी होगी आपने, जल्दी मिट जाती है। और आपने देखा होगा एटीएम में जो रसीद निकलती है, एटीएम में जो रसीद निकलती है ना, उसमें इनका प्रयोग, एटीएम की रसीद में इसका प्रयोग होता है थर्मल प्रिंटर का। जो रसीद होती है उसका कागज होता है वो किसका होता है? थर्मोक्रोमिक कागज होता है वो, और वो जल्दी क्या हो जाता है? मिट जाता है, ठीक है। इस प्रकार से इसी का यूज इसलिए करते हैं ताकि जो एटीएम पर डिटेल होती है, अकाउंट नंबर वगैरह होता है, जल्दी मिट जाते हैं। उसके बाद सेकंड नेक्स्ट आता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर क्या होता है? उच्च गति वाला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। उच्च गति वाला मतलब कि अपन कह सकते हैं कि ये हाई स्पीड
हाई स्पीड प्रिंटर होता है एक, ठीक है, क्या होता है, हाई स्पीड प्रिंटर होता है। उसके बाद इसमें लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, लेजर किरणें डाली जाती हैं। देखो इसका नाम क्या है, लेजर से है। तो इसमें नेक्स्ट बात क्या है, लेजर किरणों की सहायता से लेजर बीम होती है इसके अंदर। क्या होती है, लेजर बीम, इतना याद रखना, लेजर बीम, ठीक है, ज़्यादा आपको इसको वो नहीं करना है। इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग है तो एक विशेष प्रकार की स्याही का पाउडर होता है, विशेष प्रकार की स्याही का पाउडर होता है जिसे टोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे टोनर कहते हैं, विशेष प्रकार की स्याही का पाउडर प्रयुक्त होता है जिसे टोनर कहते हैं। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट भी देते हैं। फोटो कॉपी मशीन में लेजर प्रिंटर प्रयुक्त होता है, फोटो कॉपी मशीन में लेजर प्रिंटर सर्वाधिक तेज गति से कार्य करने वाला प्रिंटर है, इसलिए लिख सकते हैं हाई स्पीड प्रिंटर है ये, ठीक है। तो इसमें ये बात आप लिख सकते हैं, दूसरी कि विशेष प्रकार की स्याही का पाउडर होता है। इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार की स्याही का पाउडर। का पाउडर होता है, क्या होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे टोनर कहते हैं, टोनर। ठीक है, लेजर बीम आपको लिखना है, इसका प्रयोग किसमें, फोटो कॉपी मशीन में होता है, फोटो कॉपी मशीन में। इसका प्रयोग कहाँ होता है, फोटो कॉपी मशीन में यूज होता है। तो लेजर प्रिंटर भी आपने पढ़ लिया। उसके बाद आता है इंकजेट प्रिंटर। इस प्रिंटर में एक प्रिंट हेड होता है जिसमें छोटे छोटे बारीक छिद्रों वाले नोजल होते हैं। इसमें एक विशेष प्रकार की स्याही बूंदों की बौछार के रूप में कागज़ पर छोड़ी जाती है, जिससे कागज़ पर कैरेक्टर आकृतियाँ छप जाती हैं। इस प्रिंटर में स्याही की अलग अलग बोतल होती है जिसे कार्टेज कहते हैं। इस प्रिंटर में क्या होता है, इस प्रिंटर में स्याही की बोतल होती है। जिसे कार्टेज कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं। आपको याद रखना है इंकजेट प्रिंटर को, है ना। यह प्रिंटर घरों में ऑफिस में प्रयुक्त सर्वाधिक प्रयुक्त होता है। रंगीन स्याही की बोतल में तीन मूल रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला। इस प्रिंटर में स्याही की बोतल जो होती है जिसे कार्टेज कहते हैं, क्या होता है, रेड। और क्या होता है, सबसे पहला कलर क्या होता है इसके अंदर, रेड, ठीक है। पहला कलर क्या होता है इसके अंदर, इंकजेट प्रिंटर के अंदर सबसे पहला होता है रेड, और दूसरा होता है ब्लू और येलो, दूसरा होता है ब्लू और तीसरा होता है येलो। इसका प्रयोग कहाँ होता है, एक तो घर में होता है इसका प्रयोग, दूसरा कहाँ पर होता है, ऑफिसेज में होता है। क्यों होता है दो, घर और ऑफिस में, क्योंकि कम लागत वाला होता है, ठीक है, इसमें कम लागत आती है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। प्रिंटर कंप्लीट होने के बाद अब आता है प्लॉटर। प्लॉटर में आपने देखा होगा, प्लॉटर एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा प्रिंटर होता है। क्या होता है, बड़ा प्रिंटर, प्लॉटर के मतलब बड़ा रूप होता है प्रिंटर का, ये है ना। प्लॉटर ये है प्रिंटर का बड़ा रूप होता है, बड़ा रूप होता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है इसके अंदर, प्लॉटर आपने देखा होगा बैनर वगैरह छपवाते हैं ना, खाटू श्याम का बैनर, हनुमान जी का बैनर, तो मतलब बैनर छपवाने के लिए काम आता है, बैनर छापने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। आप बताओ, होर्डिंग बड़ी बड़ी लगती हैं, ठीक है, होर्डिंग क्या लगती हैं, बड़ी बड़ी, तो जो होर्डिंग बड़ी बड़ी लगती हैं उनमें अपन कैसे कर सकते हैं बताओ। बड़ी बड़ी जो होर्डिंग होती हैं उनमें अपन छोटे प्रिंटर को नहीं यूज कर सकते। बात आ रही समझ में, जो
जैसे मान लो कोई बड़ा आपको होर्डिंग लगवानी है तो कैसे प्रिंट होगी बताओ, नहीं समझ में आई मेरी बात? हाँ हरभजन, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रही मेरी बात? क्या बोला है मैंने? फिल्टर बोला है मैंने, और इससे आगे, इससे आगे होर्डिंग क्या होती है, समझ में आ रही ना? अरे जो बड़े बड़े लगते हैं ना, कि हॉस्पिटल के जो बड़े बड़े वो लगते हैं, तो छोटे प्रिंटर यूज थोड़ी होते हैं, तो बड़े बड़े प्रिंटर होते हैं तो बैनर छापने के लिए। उसके बाद प्लॉटर का प्रयोग ग्राफिक्स, ग्राफ एवं रेखा चित्र प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग वास्तुविद इंजीनियर सिटी प्लॉटर करते हैं। उसके बाद प्लॉटर का प्रयोग कौन करते हैं, वास्तुविद, आपने देखा होगा प्लॉटर का प्रयोग वास्तुविद और कौन करते हैं, इंजीनियर भी करते हैं। क्या करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियर हो, चाहे सिविल इंजीनियर हो, क्योंकि कोई मानो नक्शा बनाना है, ठीक है, राम मंदिर का ही नक्शा बना मान के चलो, तो वो कैसे बना होगा, बड़ा आपको बड़े प्रिंटर की आवश्यकता हुई होगी, ठीक है। इसलिए इनका प्रयोग इंजीनियर ये सभी करते हैं। ग्राफिक्स हेतु सबसे अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर प्लॉटर होते हैं। ग्राफिक्स के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी के प्रिंटर वाले कौन से होते हैं, प्लॉटर। तो आपको याद रखना है ग्राफिक्स के काम में, ग्राफिक्स का मतलब होता है चित्र वगैरह, ठीक है, ग्राफिक्स के लिए कौन से प्रिंटर काम में लिए जाते हैं बताओ, तो वे ग्राफिक्स वाले प्रिंटर जो होते हैं ना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं। अब तो बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। एक इमारत के ग्राफिक डिजाइन प्रिंट करने तो प्लॉटर ही प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद यह हमारा प्लॉटर कंप्लीट होता है, उसके बाद आती हैं पेरीफेरल डिवाइसेज। क्या आती हैं, पेरीफेरल डिवाइसेज, पेरीफेरल डिवाइसेज, इनको बोलते हैं पेरीफेरल को, जो इनपुट भी हैं और इनपुट प्लस आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइसों को क्या कहते हैं, पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं। जो इनपुट करने का काम भी करेंगी और आउटपुट करने का काम भी करेंगी, तो वो होती है फोटोकॉपी मशीन। सबसे पहली क्या है, सबसे पहली आती है इसमें फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन। अरे समझ में आ गया ना, इनपुट भी काम करेगी और आउटपुट का काम भी करेगी। कैसे करेगी, कोई फोटोकॉपी मशीन है, आपने कोई फोटोकॉपी मशीन से एक फोटोकॉपी निकलवा ली, उससे आप दूसरी फोटोकॉपी करवा सकते हैं ना, इसका मतलब इनपुट भी जा रहा है और बाहर आउटपुट भी आ रहा है, नहीं बेटी बात समझ में? अरे इसकी आपने फोटोकॉपी कराई है, अंदर आप रखोगे तभी इसका मतलब इनपुट, दूसरी कॉपी निकलेगी उसका मतलब क्या है, आउटपुट। दूसरा आता है मॉडम, मॉडम आपने देखा होगा, मॉडम के बारे में इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ये क्या है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, मतलब पहले इनपुट होता है, आपने देखो क्या किया, आपने अपने मोबाइल के अंदर क्या कर दिया, मॉडम से नेट कनेक्ट कर दिया, आप करने के बाद कोई दूसरा भी कर सकता है, आप इनपुट भी ले रहे हैं और दूसरे को आउटपुट भी दे रहे हैं। आप ये देखो कि यहाँ पर कोई नेट आता है मेरे पास, मैं इस नेट को इनपुट करके किसी दूसरे को आउटपुट कर सकता हूँ, तो वो कौन सा होगा बताओ, पेरीफेरल, क्या होगा, पेरीफेरल डिवाइसेज। तीसरा बताओ कौन सा होता है, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा है फैक्स मशीन, तीसरा क्या है, फैक्स मशीन। फैक्स मशीन इनपुट आउटपुट कैसे है बताओ, आपने कोई फोटो यहाँ पर दूसरी जगह फैक्स करवाना है, ठीक है, आपकी अमेरिका में सगाई हो गई और आपको क्या है, अमेरिका में फोटो भेजना है, तो आप फोटो तो भेज नहीं सकते, तो उसको फैक्स कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपका जो इनपुट है ना, आपका जो फोटो है वहां पर वो प्रिंट निकल सकता है, ठीक है। चौथा आता है हेडसेट, हेडसेट इनपुट आउटपुट कैसे बताओ, हेडसेट सुना है आपने, अरे हेडसेट के बारे में सुना होगा ना, तो सिर में सेट करते हैं कई बार, हेडसेट नहीं सुना, वो इनपुट भी है आउटपुट भी है। हेडसेट में स्पीकर भी होता है और माइक्रोफोन भी आता है, बताओ होता है कि नहीं होता, हेडसेट क्यों चल रहा है आजकल, अरे तुमने ये वो लगा रखे है ना, क्या बोलते हैं इनको, चूहे जैसे लगा रखे ना कानों में, क्या है, नहीं ईयरफोन तो अलग चीज हो गई,
ये बड्स बोलते हैं इनको, है ना। और इस बड्स में क्या है, आपको कोई गाना सुनना है तो आप क्या कर सकते हैं, गाने चला सकते हो, तो आउटपुट आ रहा है स्पीकर, मतलब आउटपुट हो गया। लेकिन इसके अंदर माइक्रोफोन भी होता है, माइक भी होता है, ताकि हमारी, हमको कोई फोन आए ना हमारे पास, तो हम हेलो करके उसको आप अपना जवाब दे सकते हो। तो इनपुट हो गई ना उसके अंदर, माइक्रोफोन इनपुट था और स्पीकर आउटपुट था, तो इनपुट और आउटपुट दोनों हो गई कि नहीं होगी बताओ। इसलिए हेडसेट बोलते हैं इसको आजकल, तो इसको बड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड्स, ठीक है। बड्स नहीं पक्षी, नहीं बड्स, BUDS, बड्स। आ गया था टच स्क्रीन। टच स्क्रीन बताओ क्या है? वैसे तो ये आउटपुट डिवाइस भी है, सॉरी इनपुट डिवाइस भी है, लेकिन ये आउटपुट भी है, क्योंकि टच करने पर अपन को क्या होता है बताओ, आउटपुट दिखाई देता है। तो आज तक हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।